ये मेरा गाड़ी का फेस है, ठीक है, इसके साथ मेरे को इसको टैली करना है। अभी देखो मेरा गाड़ी का फेस इधर है, उधर पे एक बस आ रहा है, मेरे को बाय जाना है हल्का सा, कितना डायने जा रहा है उसके हिसाब से कितना बाय लेके आना है। देखो बाय लेके जा रहा हूँ, फिर से डायने, फिर से सीधा। अभी मेरा गाड़ी का पोजिशन है, मुँह है इधर पे, बारह पोजिशन है इधर पे, ठीक है, मेरे को बाय जाना है, ठीक है, ऐसा चला गया, अभी बाय गया मैं उधर पे, देखा एकदम फेस सीधा है, इसके साथ बारह पोजिशन इधर पे है, मेरे को बाय जाना है, डायने किया सीधा इसके साथ यहाँ पे, ठीक है, डायने जा रहा हूँ, फिर से बाय आ गया, फिर से डायने करके, ठीक है, डायने जाना है, डायने गया मैं, ठीक है, हल्का बाय किया। स्वागत है दोस्तों एक नया वीडियो में। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे गाड़ी का स्टीयरिंग का एग्जैक्ट बैलेंस कैसे करना है, और उसके साथ जजमेंट तो रहेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बताना चाहता हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही एकदम अनोखा टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगा जो आप लोगों को एक एक्सपीरियंस प्रो ड्राइवर बना देगा बहुत ही कम दिन के अंदर। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो आप लोग देख सकते हो मेरा स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पे कुछ रेड एंड येलो टेप लगा हुआ है, उसके साथ सामने इधर भी एक येलो टेप है, इधर पे रेड, इधर पे रेड। तो यहाँ पे क्या क्या है सब कुछ, हम लोग कैसे यहाँ पे स्टीयरिंग को हम लोग बैलेंस करेंगे, यानी कि स्टीयरिंग को एक घड़ी जैसा इसको सोचेंगे और उसको डायने और बाय करेंगे, उसके साथ गाड़ी का जो बॉडी लाइन है और रास्ते का जो किनारा है उसके साथ कैसे हम लोग जो स्टीयरिंग को एडजस्ट करके चलेंगे, यानी कि बैलेंस करके चलेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और एकदम वीडियो को ध्यान से देखिए, एक सेकेंड भी स्किप मत करो, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा स्टीयरिंग का एग्जैक्ट कैसे हैंडलिंग होता है। तो चलो देखते हैं। गाड़ी को चलाने से पहले आप लोगों को ड्राइवर सीट को एडजस्ट करना है, उसके बाद स्टीयरिंग को भी ऊपर नीचे करके देखो कौन सा आप लोगों को शूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है उसको ही रखो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को स्टीयरिंग को मार्किंग करना है और सोचना है स्टीयरिंग एक घड़ी है, यानी कि यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 9, ठीक है, 12, 3, 6, 9। अभी इस स्टीयरिंग को ना हम लोग सबसे पहले सीधा करेंगे। स्टीयरिंग को सीधा कैसे करना पड़ता है, गाड़ी को स्टार्ट देना है, इस स्टीयरिंग को एग्जैक्टली दाहिने तरफ एकदम जितना दूर तक जाएगा, ठीक है, नहीं तो एकदम बाई तरफ, उसके बाद 1 टर्न सीधा हो गया, उसके बाद दूसरा टर्न। अभी मेरा स्टीयरिंग सीधा है, यानी कि मेरा व्हील सामने सीधा है। इसको सीधा करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक रेड टेप, यहाँ पे एक रेड टेप, यहाँ पे कोई भी टेप लगा दो, ठीक है, कोई भी कलर का लगा दो। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो टेप है ये एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं एक मार्किंग है, ठीक है, यानी कि ये मेरा 12 का पोजिशन है, यानी कि 12 घड़ी का 12 है, ठीक है, ये मेरा 3, ये मेरा 9 है। अभी ये जो टेप है, रेड टेप है, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा शायद, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए नए आए हो तो जान लो। देखो ये जो टेप है दोस्तों, ये मेरा गाड़ी का जो बोनेट है ना उसका कॉर्नर से आ रहा है, यानी कि जो लेफ्ट व्हील उसके सामने जो कॉर्नर है, एग्जैक्ट कॉर्नर गाड़ी का बोनेट का, वहाँ से सीधा आ रहा है, और हम लोग सोचेंगे ऐसा एक लाइन जो स्टीयरिंग पे मीट करेगा आके, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। सेम उसी तरह दाहिने तरफ से एक रेड टेप जो मेरा राइट का व्हील है उसके सामने से सीधा आ रहा है जो स्टीयरिंग तक आएगा। अभी स्टीयरिंग का जो भी मार्किंग है इसके हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं, ये मेरा राइट व्हील है, ये मेरा लेफ्ट व्हील है, इधर पे एक मार्किंग है यानी कि मेरा व्हील सीधा है, इसके साथ यहाँ पे भी एक मार्किंग है, ठीक है, यानी कि जब भी मैं इसके साथ इस स्टीयरिंग को ऐसा करूंगा मेरे को पता चल जाएगा ये मेरा गाड़ी का फेस है, मुँह है, ठीक है, ये मेरा स्टीयरिंग ऐसा है, यानी कि मेरा व्हील जो है ऐसा है, अभी ऐसा है। अभी चलाते चलाते आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये सब दरकार नहीं पड़ेगा, मगर शुरुआत में इसको कर लो। और हाँ, स्टीयरिंग को अगर मैं इसको पूरा घुमा दूंगा तो इसका अलाइनमेंट मतलब इधर उधर हो जाएगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कौन सा मेरा राइट व्हील है कौन सा लेफ्ट व्हील है, मगर शुरुआत में इसको लगा के चलाओ एकदम कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है, बाद में सब कुछ दरकार नहीं है। तो अभी मैं गाड़ी को ड्राइव करूंगा, आप लोगों को देखना है कहां पे कितना मैं स्टीयर कर रहा हूं, ठीक है, इधर भी फॉलो करो, इधर भी फॉलो करो, इधर भी फॉलो करो, और जो भी गाड़ी सामने से आता है हम लोग उस गाड़ी को मिडिल से नहीं इस लाइन से बाई तरफ रखेंगे, यानी कि इधर से एंगल से देखेंगे, उसको क्रॉस करके चला जाएंगे, और उसको जब भी हम लोग ओवरटेक करेंगे आप लोग देख पाएंगे वो गाड़ी इसके सामने रहेगा, ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद यहाँ पे जो भी गाड़ी आएगा हम लोगों को यहाँ से एक लाइन सोचना है, जो भी गाड़ी को हम लोग इस लाइन से बाहर रखना है। तो चलो अभी हम लोग ड्राइविंग करेंगे, आप लोग देखो अभी मेरा व्हील ऐसा है, मैं रास्ते के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। अभी फिर से इसको सीधा कर दिया, फिर से बाई तरफ, क्योंकि अभी ऐसा देखो, अभी ऐसा सीधा, ठीक है, अभी मेरा स्टीयरिंग सीधा है, देखो अभी 12 पोजीशन पे है, ये 3 है 9 है, ठीक है, अभी देखो मेरा गाड़ी इधर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा देखो इसके साथ, देखो ऐसा एकदम आसान है दोस्तों, इस तकनीक को आप लोग फॉलो करो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इस साइकिल को मेरे को इसके बाहर रखना है, ठीक है, बाहर चला गया हल्का सा उधर, अभी मेरे को इधर पे गाड़ी आ रहा है हल्का सा इधर, इधर जाने के बाद मेरा व्हील ऐसा है तो इसको सीधा, ठीक है, सीधा करने के लिए आप लोगों को ऐसा नहीं है, सीधा करना है तो हम लोगों को इसको मैच करना है, नहीं, जैसा कि गाड़ी का फेस, ये मेरा गाड़ी का फेस है, ठीक है, इसके साथ मेरे को इसको टैली करना है। अभी देखो मेरा गाड़ी का फेस इधर है, उधर पे एक बस आ रहा है, मेरे को बाय जाना है हल्का सा, ठीक है, देखो ऐसा आ गया, ठीक है, फिर से ऐसा, मेरा गाड़ी का व्हील ऐसा है, अभी ऐसा जाके मेरे को सीधा करना है, फिर से ऐसा, ये वाला चीज़, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो इधर पे गड्ढा है, मेरे को हल्का सा डायने लेना है, ठीक है, उधर जा रहा है गाड़ी, बाय लेना है, ठीक है, ऐसा ये मार्किंग कर लो, एकदम पानी की तरह आसान लगेगा, ठीक है।
देखो अभी मेरा स्टीयरिंग एकदम सीधा यानी कि 12 पोजीशन पे है, इधर पे मार्किंग है, हल्का सा उधर जा रहा है गाड़ी, हल्का सा डायने लिया मैंने। अभी देखो मेरा गाड़ी एग्जैक्टली सीधा चल रहा है, थोड़ा सा डायने जा रहा है, ठीक है ये वाला पोजीशन को देखो, अभी थोड़ा सा बाएं जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देखो अभी फिर से डायने, अभी सीधा, ठीक है अभी मैं ऐसा जा रहा हूँ। अभी ये जो रास्ते के मिडिल पे एक लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा था, इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ, ये जो मेरा स्टीयरिंग का ये वाला रेड टेप है ना, इसके साथ अगर रास्ते का जो मिडिल लाइन जा रहा है यानी कि रास्ते के कोई भी जगह पे आप लोग अगर इसको लेके जा रहे हो, उसके मतलब आपका जो भी गाड़ी का राइट का व्हील है उसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है यानी कि इधर पे देखो, अभी मेरा गाड़ी ऐसा जा रहा है, उधर पे गाड़ी आ रहा है, इसको बैलेंस करना सीखो, यानी कि कितना आप लोग इसको डायने कर रहे हो उसके हिसाब से कितना आप लोगों को बाय करना पड़ेगा गाड़ी को सीधा करने के लिए, ठीक है। हमेशा यही हम लोगों को करना है होता है, यानी कि रास्ते के हिसाब से गाड़ी को सीधा रखो, स्टीयरिंग को भी सीधा रखो, जब भी दरकार पड़ेगा उसको डायने बाय करो, उसके बाद सीधा कर लो। अभी यहाँ पे देखो ये मेरा 12 का पोजीशन है, ठीक है गाड़ी का फेस इधर पे है, अभी मेरे को ऐसा जाना है उधर पे जाना है, मैंने डायने तरफ देखा इधर पे आ गया, अभी देखो फिर से मेरे को बाय जाना है, व्हील ऐसा है फिर से सीधा कर दिया, फिर से सीधा नहीं हुआ ऐसा, अभी अभी हो गया सीधा, ठीक है अभी देखो मेरे को बाएं जाना है, ये मेरा गाड़ी का यहाँ पे मार्किंग है, गाड़ी का फेस है, ठीक है ऐसा आ गया बाएं तरफ, फिर से दाहिने तरफ, फिर से अभी सीधा, अभी भी सीधा नहीं हुआ है, अभी सीधा ऐसा, ठीक है अभी मेरा गाड़ी सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है एग्जैक्टली सीधा जा रहा है, बस आ रहा है, अगर वो बस इधर पे आ जाता ऐसा इस जगह पे, फिर मेरे को हल्का बाएं करना पड़ेगा, देखो मैंने टच भी नहीं किया, गाड़ी सीधा जा रहा है, उधर पे रिक्शा था इसलिए हल्का दाहिने हल्का, ठीक है अभी देखो मेरा व्हील ना थोड़ा सा यानी कि जो मेरा फेस है उसके साथ मेरा व्हील ऐसा जा रहा है, थोड़ा सा एंगल से ऐसा, ठीक है अभी देखो यहाँ पे देखो इस गाड़ी को, इस रिक्शा को ओवरटेक करने के लिए मेरे को इसको रेड टिप से बाहर रखना है, देखो ऐसा इतना मेरा व्हील डाने तरफ जा रहा है, फेस इधर जा रहा है, फेस को उधर करना है, गाड़ी का जो भी फेस है रास्ते के संग रखो, ठीक है देखो ऐसा रास्ता जैसा जा रहा है उसके साथ यहाँ पे एक लाइन सोचो, यहाँ पे सोचो, ठीक है और उसके साथ इस स्टीयरिंग को मैच कराओ यानी कि बैलेंस करो, बहुत ही आसान है, गाड़ी के फेस के साथ स्टीयरिंग का बैलेंस, इससे क्या होगा आप लोगों को पता चल जाएगा आपका गाड़ी सीधा जा रहा है यानी कि टेढ़ा जा रहा है सब कुछ, ठीक है देखो अभी मेरा गाड़ी सीधा है, ये मेरा गाड़ी का फेस है, ये मेरा स्टीयरिंग का 12 पोजीशन है, ठीक है तो 12 पोजीशन को गाड़ी का फेस के साथ मैच करके चलो। अभी मेरे को देखो मेरे को हल्का सा मैंने डायने लेता हूँ गाड़ी को, ठीक है देखो ऐसा इधर जा रहा है गाड़ी सीधा कर दिया, देखो अभी ऐसा, ठीक है अभी मेरे को एकदम बाय जाना है, ठीक है एकदम बाय ऐसा मुंह इधर जा रहा है, ठीक है अभी फिर से सीधा, ठीक है ऐसा फिर से सीधा कर दिया सीधा, ठीक है चलो अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे फेस है इधर जा रहा है गाड़ी फिर से सीधा ऐसा, आप लोग इधर भी देखो, ठीक है जो भी गाड़ी मेरे को पास कर रहा है मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जजमेंट को लेके, ठीक है उसको भी देखो, अगर डिटेल में जाना है इस वीडियो को देख लो, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है देखो सामने गाड़ी को देखो, इधर पे मेरा गाड़ी का फेस है, ठीक है मेरे को हल्का बाएं जाना है क्योंकि वो इधर से आ रहा है, हल्का बाएं मैंने कर दिया फिर से सीधा, देखो अभी ऐसा जा रहा हूँ मैं, ठीक है हल्का डायने किया उधर जा रहा है, गाड़ी का फेस उधर है, ठीक है इसको मेरे को इधर लेके आना है, इधर आ गया फिर से, ठीक है ऐसा यानी कि 12 पोजीशन को मूवमेंट कर रहा हूँ मैं गाड़ी का फेस के हिसाब से, ये मेरा गाड़ी का फेस है, ठीक है इसको फेस सोचो, अभी देखो इधर जा रहा है हल्का बाएं ऐसा, देखो मेरा अभी मेरा व्हील ना ऐसा है, ठीक है उधर जा रहा है गाड़ी, देखो फिर से ऐसा बाएं तरफ, मेरा जो भी स्टीयरिंग है आप लोग देख सकते हो, अगर मैं हल्का सा इसको इधर कर देता हूँ फेस के साथ, देखो इधर जा रहा है मेरा गाड़ी उधर जा रहा है, ठीक है उधर जा रहा है इसको मैंने मेरे को फिर से बाएं तरफ लेके आना है ऐसा, यानी कि बैलेंस करना पड़ेगा कितना डायने जा रहा है उसके हिसाब से कितना बाएं लेके आना है, देखो बाएं लेके जा रहा हूँ फिर से डायने फिर से सीधा, अगर आप लोगों को गाड़ी को बाएं लेके जाना है उसको फिर से स्ट्रेट करने के लिए आप लोगों को बाएं से डायने जाना पड़ेगा उसके बाद ही सीधा करना पड़ेगा, ठीक है अभी ऐसा नहीं है मेरे को बाएं जाना है मैंने बाएं आ गया ठीक है उसके बाद मैं सीधा कर दिया स्टीयरिंग सीधा हो गया, नहीं आप लोगों को बाएं जाके डायने करना है उसके बाद सीधा करना है, इसी तरह देखो मेरे को उधर पे जाना है उधर चला गया मैं बाएं गया फिर से ऐसा डायने किया फिर सीधा, अगर मेरे को डायने जाना है बाएं गया सीधा यानी कि डायने जाने के बाद बाएं जाओ सीधा कर लो, बाएं जाने के बाद डायने जाओ सीधा करो, देखो अभी सीधा जा रहा है गाड़ी ठीक है ऐसा मेरे को बाएं जाना है बाएं गया हल्का डायने सीधा, ठीक है ऐसा डायने जा रहा हूँ मैं हल्का बाएं सीधा ऐसा, ठीक है अभी देखो ऐसा जा रहा हूँ मैं गाड़ी का फेस है स्टीयरिंग का 12 पोजीशन है हल्का डायने ऐसा जा रहा हूँ मैं, ठीक है इधर पे जो भी साइकिल जा रहा है एक साथ उसको इसके बाहर रखना है, हॉर्न दिया ठीक है हल्का डायने बाएं हो गया फिर से डायने जा रहा हूँ मैं सीधा, आसान सा मंत्र है ठीक है देखो इसको मेरे को इस स्टेप से बाहर रखना है, ठीक है इस स्टेप से बाहर है ऐसा करके मैं निकल गया, देखो टर्निंग है ऐसा मेरा व्हील ऐसा है फेस इधर पे है फिर से सीधा डायने जाके सीधा, जब भी हम लोग
कोई भी डायरेक्शन पे जाएंगे, डायरेक्शन चेंज करने से पहले स्टीयरिंग को देखो कैसे मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो बाइक है इसको ओवरटेक करके मैं जा रहा हूँ, तीन दो नंबर गियर, ठीक है। यहाँ पे देखो गाड़ी का फेस इधर जा रहा है, यहाँ पे देखो इधर पे एक ऑटो है रास्ते के एकदम ऊपर, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा स्लो करना पड़ा, उधर पे गाड़ी आ रहा था, ठीक है, उसको साइड देना पड़ा मेरे को। देखो तीन नंबर गियर, अभी मेरा गाड़ी का फेस इधर पे है, स्टीयरिंग इधर जा रहा है, ठीक है, डायनेमिक किया सीधा, बैलेंस कर रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। मेरे को तो जाना है, देखो अभी देखो ध्यान से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। देखो अभी मेरा टारगेट रहेगा, मैं इसको क्रॉस करके जाऊँ उसके बाद दिखाता हूँ। देखो देखो अभी देखो अभी मैं सब कुछ इसको भी क्रॉस करके उधर जाऊँगा, बाय जाऊँगा। अभी मेरा गाड़ी का पोजीशन है, मुँह है इधर पे, बाड़ा पोजीशन है इधर पे, ठीक है, मेरे को बाय जाना है, ठीक है। ऐसा चला गया, अभी बाय गया मैं, उधर पे देखा आ गया, हल्का डाइन है सीधा, मैंने बाय पे आया, हल्का डाइन किया सीधा किया, ठीक है। सेम उसी चीज़ अगर मेरे को डाइन जाना है, मैंने डाइन किया, ठीक है, बाय किया सीधा, बाय किया डाइन दिया सीधा, ठीक है। अभी देखो इधर पे देखो, मैं पीछे देख लेता हूँ कोई नहीं आ रहा है, नहीं तो टक्कर लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं डाइने जा नहीं सकता, गाड़ी आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ऐसा जा रहा हूँ, सीधा है मुँह, एकदम फेस सीधा है, इसके साथ 12 पोजीशन इधर पे है, मेरे को बाय जाना है, डाइने किया सीधा, यहाँ पे बैलेंस किया मैंने, ठीक है। बैलेंसिंग को देखो कहाँ पे मैं बैलेंस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो ऐसा, देखो इसके अंदर से पूरा उधर पे रोड ब्लॉक था, इधर पे देखो ऐसा सीधा है, ठीक है, हल्का डाइने किया, डाइने किया बाय किया, ठीक है, पूरा बाय आ गया, ठीक है। अभी देखो डाइने किया सीधा, यही है बैलेंस, ठीक है। बैलेंसिंग को जान लो, आप लोग कट आसानी से मर सकते हो, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा जा रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी मेरा 12 पोजीशन है फेस के साथ, गाड़ी का फेस के साथ, ठीक है, मिडिल नहीं फेस के साथ यहाँ पे, ठीक है। डाइने जा रहा हूँ, फिर से बाय आ गया, फिर से डाइने करके सीधा, ठीक है, यही वाला चीज़, ठीक है। मेरे को डाइने जाना है, डाइने जा रहा हूँ, बाय किया सीधा, ठीक है, ऐसा फिर से मेरे को बाय जाना है, ठीक है, फेस है इधर पे, टेप है इधर पे, बाय जा रहा हूँ, डाइने जा रहा हूँ सीधा, ठीक है, देखो ऐसा, ठीक है, डाइने जाना है, डाइने गया मैं, ठीक है, हल्का बाय किया सीधा, अभी बाय गया, ठीक है, डाइने किया सीधा, ठीक है, बैलेंस, ठीक है, डाइने जा रहा हूँ, बाय किया सीधा, सीधा कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है, एकदम आसान। अभी देखो गाड़ी का फेस इधर पे है, उसको मेरे को इधर पे लेके आना है, ठीक है। देखो हल्का डाइने जा रहा हूँ, गाड़ी का फेस इधर पे है, स्टीयरिंग इधर पे है, बाय जा रहा हूँ, डाइने किया सीधा, ठीक है, ऐसा। इसको आप लोगों को फॉलो करना है, ऐसे ही आप लोगों को स्टीयरिंग को एडजस्ट करके बैलेंस करके जाना है, ठीक है। या फिर सामने थोड़ा बहुत भीड़ वगैरह हो सकता है, देखो जजमेंट को देखो, पिलर को भी देखो, ठीक है। ब्रेक किया हल्का, ठीक है, 5 नंबर गियर पे ही है, अगर ज़्यादा ब्रेक करना पड़ेगा तो 4 नंबर देना पड़ेगा। क्लच कंट्रोल का भी वीडियो है, इसको ज़रूर देखें, 3 नंबर गियर, ठीक है। देखो अभी देखो गाड़ी का फेस है सीधा, स्टीयरिंग भी सीधा, अभी एक बम्पर है, गाड़ी को स्लो कर दिया, चल गया बम्पर के ऊपर। अभी देखो हल्का बाय लिया, ठीक है, डाइने किया, डाइने जा रहा है गाड़ी, बाय किया, फिर से एकदम बाय आ गया, डाइने किया सीधा, बैलेंस किया इधर इधर पे, ठीक है, एग्जैक्ट ये पोजीशन पे गाड़ी मेरा सीधा जा रहा है, हल्का डाइने देखो इधर पे है मगर ये इधर पे है, ठीक है। देखो अभी गाड़ी का फेस सीधा है, इसके साथ 12 पोजीशन सेम है, 12 पोजीशन गाड़ी का फेस सेम है, हल्का डाइने कर रहा हूँ मैं, फिर से बाय किया सीधा, ठीक है, ऐसा। अभी हल्का डाइने करके मैं जा रहा हूँ, क्यों, इसको मेरे को ओवरटेक करना है, इसीलिए हल्का डाइने, देखो मेरा एंगल ऐसा है, उसके संग संग नहीं है, ठीक है, 2 नंबर गियर, बम्पर आ गया, देखो सीधा है, बाय गया उधर पे मैंने देखा, ठीक है। देखो मेरे को अभी इधर पे जाना है, फेस इधर पे है, गाड़ी का मुंह इधर पे है, अभी देखो 2 नंबर गियर, ठीक है, बम्पर बम्पर है 3-4 इधर पे, यहाँ पे देखो गाड़ी का मुंह इधर पे है, स्टीयरिंग ऐसा है, 12 पोजीशन, ठीक है, और एक चला गया, ठीक है। अभी देखो इधर पे देखो, अभी इसको ओवरटेक करके जाना है, चलो निकल जाते हैं, बहुत हुआ। अभी देखो हल्का बाय किया सीधा कर दिया, ठीक है, इसको ओवरटेक करना है, उधर पे आना है, अंदर आना है, पीछे एक रिक्शा है मेरा, सामने भी एक गाड़ी आ रहा था, डाइने किया, ठीक है, फिर से बाय किया, मेरे को उधर जाना है, देखो इधर आ गया मैं, डाइने किया सीधा, बैलेंस किया, ठीक है, कर लिया ओवरटेक। अभी मेरे को बाय जाना है, ठीक है, तो इसीलिए इसको 12 पोजीशन को इधर पे
हल्का डायने करके सीधा, जो मैंने कहा हमेशा बैलेंस करना है। अभी मेरा गाड़ी का मुंह फेस सीधा है, स्टीयरिंग देखो फिर भी ऐसा है। तो ज़्यादातर हम लोग इंडियन ड्राइवर्स का ना जो भी स्टीयरिंग है थोड़ा ऐसा रहता है, यानी कि ऐसा होता नहीं है, हम लोग ऐसा करके चलाते हैं क्योंकि हम लोग ओवरटेक करने का मेंटेलिटी में रहते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इधर पर जा रहा हूँ मैं, फिर से गाड़ी का मुँह ऐसा, इसको मेरे को इधर पर लेके आना है ऐसा, बाहर जा रहा हूँ, डायने किया सीधा, बैलेंस किया। ठीक है, गाड़ी आ रहा है, इसको मैं ओवरटेक कर रहा हूँ एकदम आसान। देखो देखो बाय आ रहा हूँ, उसको डर लग गया हम इधर जा रहा है। देखो इधर पे देखो, 5 नंबर गियर, डायने किया मैं, फेस इधर पे है, 12% इधर पे है, बाय गया, डायने किया सीधा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। इधर पे देखो डायने आ गया मैं, ठीक है, मेरे को बाय जाना है, बाय गया, ठीक है, हल्का डायने किया सीधा, अभी मेरे को डायने जाना है, ठीक है, बाय किया मैं, डायने किया सीधा, बैलेंस किया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को माथे पे रखना है, ऐसे ड्राइविंग करना है। डायने जा रहा हूँ, ठीक है, हल्का बाय किया, ठीक है, इसको ओवरटेक किया, लाल टिप से बाहर है वो, ठीक है, देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा चलाना है दोस्तों। देखो इधर पे देखो, मैं बाय जा रहा हूँ, ठीक है, पीछे देखा, बाय जा रहा हूँ, डायने किया सीधा, बाय डायने सीधा, डायने बाय सीधा। ठीक है, ये इसको याद रखो, बस एकदम आसान हो जाएगा। इसको मैंने ओवरटेक किया, ठीक है, हल्का डायने किया, ठीक है, हल्का बाय गया, बाय जाके सीधा डायने करके सीधा कर दिया। ठीक है, ऐसा, तो ऐसा आप लोगों को ड्राइविंग करना है। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कुछ समझा पाया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं इतना दूर तक रखता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, और इस वीडियो के अंदर अगर कोई डाउट और शक हो रहा है तो जरूर कमेंट किया करें, और जरूर मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो किया करें, जो इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, सेव ड्राइव एंड सेव लाइफ।